हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैंगो सालसा की रेसिपी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ये मैंगो सालसा खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसे हम नाचोस के साथ, चिप्स के साथ, परांठा के साथ, पूरी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आज मैं आपको दो तरह के मैंगो सालसा बनाना सिखाऊंगी। एक तो पके हुए आम का मैंगो सालसा और एक कच्चे आम का मैंगो सालसा कैरी का। तो सबसे पहले हम पके हुए आम का सालसा बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल में 1 चॉप प्याज लिए, 1 कटी हुई प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, कटी हुई येलो, ग्रीन और रेड शिमला मिर्च तीनों तरह की, और पके हुए आम को मैंने काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में, उसको मिला लिया, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, धनिया कटा हुआ धनिया। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक मिलाएंगे, 1/2 चम्मच देगी मिर्च, रेड चिली पाउडर और 1 लेमन का जूस मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी मिला सकते हैं रेड मिर्च की जगह। लेमन जूस पहले हम आधा डाल के देखेंगे और फिर नहीं तो और डालेंगे, क्योंकि ये जूस ही अच्छा लगता है। इसे मिक्स करेंगे, इसका टेस्ट बहुत टैंगी होता है, स्वीट और स्पाइसी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें 1 ग्रीन चिली और काटेंगे चॉप्ड। यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हमारा मैंगो सालसा एकदम रेडी है। अब हम कच्ची आम का यानी कैरी का मैंगो सालसा बनाएंगे। इसके लिए मैंने बोल में 1 कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई आंबी को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था मैंने, 1 कटा हुआ टमाटर, और यदि आपके पास येलो और ग्रीन शिमला मिर्च है तो आप वो लीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। और इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे, धनिया इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है तो ज़्यादा सा डालिए। और फिर इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे, इसमें हमें 1 नहीं निचोड़ना क्योंकि हमारी आंधी भी बहुत खट्टी है। अब फिर इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून पाउडर शुगर या बूरा डालेंगे, जिससे कि इसका खट्टा मीठा टेस्ट हो जाए। और इसे मिक्स करेंगे। ये सालसा बहुत ही टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है एकदम। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसमें भी हम 1 ग्रीन चिली चॉप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हम इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं, यदि आपके पास हैं तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे नाचोस के साथ, चिप्स के साथ, मटरी के साथ, परांठे के साथ, पुलाव, राइस, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।